करें। मीरब सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में। मेरी बच्ची जब भी मुझे मिली थी ना, तो उस वक्त वो पानी के अंदर डूबी हुई थी। खुदारा वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ से मिन्नत करता हूँ, ऐसा कानून बनाएं और एक इस्लामी कानून बनाएं कि जिसके मुताबिक इन दुरिंदों को एक ऐसी सजा मिले कि इबरत का निशान बने। उसके मामा ने बोला है ना किसे ले जाओ। यू शट अप। मां के कहने पे किया कत्ल तुमने। मामा ने बोला है किसे यहाँ से ले जाओ, तो मैंने कत्ल कर दिया उसका। ये बकवास तुम्हें किसने सिखाई है? बकवास किसी ने। ये सच बताओ, तुमने उसके साथ जो किया? उसके साथ मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसका कत्ल किया है। आप वालदा हैं बच्ची की? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? तीन। अभी तीन पास हैं? नहीं, एक फौत हो गई है। सबसे बड़ी थी वो? हाँ जी। क्या नाम था उसका? मीरा शहजादी। कितनी बेटियाँ थी? एक ही थी। लौती बेटी थी आपकी? हिम्मत करें, मीरब सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में। पानी पिलाएं जी ने जरा। उस दिन क्या हुआ था? सुबह स्कूल इसके पापा छोड़ के आया, फिर घर आई है। पापा से 10 रुपए लेके चीज लेने गई है, फिर उस दरिंदे के। हिम्मत करके बताएं। आपको कब पता चला कि बेटी घूम गई है? जाहिर है माँ है आप। आपको कब पता चला आपकी बेटी घूम गई है? 6 बजे शाम को। 6 बजे तो घर से निकली कब थी वो? 5:30 बजे। 5:30 बजे फिर आपने उसे कहाँ ढूंढा? दुकान तक गई थी चीज ले। नहीं, आपको पता कैसे चला वो घूम गई है? आप उसे बाहर निकल के कहाँ ढूंढने गई? क्या हुआ जरा खुल के बताए ना। हम साया दे कार जांदी गए ते ओदे असी गए के ओदे ही होनी में और किदे उस जाना में। ओदो गए आ तो ओदो मिली कोई नहीं। फिर असी बड़ा ढूंढिया वे सानू कोई लब्भी नहीं मिली। नहीं मिली। फिर आपने किसको बताया कि वो घूम गई है? किसी को फोन किया? भाई को, शोहर को, किसी को? उसके पापा भी ढूंढ रहे थे साथ में। ढूंढ रहे थे जी। तो शक कैसे पड़ा कि इसके पास है? एक हमारी हमसाई है वहाँ, उसने बताया कि मैंने देखे उसको रिक्शे पे बैठे हुए। आपको बताया? इसके पापा को बताया। हिम्मत रखे, अल्लाह आपको सब्र दे। सलाम अलैकुम जी, क्या नाम है आपका? जिनेदीन बोस। पहले तो जी हम सबकी जानिब से, हर देखने वाले की जानिब से आपके लिए दिली हमदर्दी है। आपकी मासूम बच्ची थी। आपका जो दर्द है, दुख है, यकीनन जो आप पे ऊपर बीत रही है वो हम जितना मर्जी अल्फाज में बयान करें वो कम है जी। आपकी बेटी पहले भी आती जाती थी इन लोगों की तरफ, या ये कोई चीज़ देने के बहाने ले जाता था ये शख्स, या उस दिन कोई अनोखी बात हुई? क्या हुआ कुछ बताएं। वैसे मैम कुछ भी नहीं हुआ। वो बच्ची थी, स्कूल से जब आती थी वो खेलने के लिए वैसे निकल जाती थी, मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलती थी। तो उस दिन वो घर स्कूल से जब आई है ना घर, तो खाना खाया, खाना खा के बाहर निकल गई है। फिर वो दोबारा घर आई, तकरीबन 5 बजे के दौरान उसने मुझसे ना 10 रुपए लिए। बोलती है पापा मैं चीज लेने के जा रही हूँ। मैं बोला ठीक है बेटा जाओ। उसे 10 रुपए ले चीज लेने के चली गई। मैं थोड़ी देर के लिए उधर से, तकरीबन शहर 1/2 किलोमीटर दूर है, थोड़ी देर के लिए बाजार चला गया। उधर से थोड़ा सामान लेना वो लेके आया हूँ। वापस जब भी घर पहुँचा हूँ तो बच्ची मौजूद नहीं थी। मैं फौरी बाइक खड़ी की है, बाहर चला गया। अभी भी गलत क्यों उठाई आपकी, मैं ये पूछ रही हूँ। कोई ऐसी बात जो आपके जहन में आती है कि इसको ये गिला हो सकता है कोई? अब जाहिर है आप हमसाये थे, हमसायों में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। कोई पता है, मालूम नहीं, कोई ऐसी हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। मेरी बच्ची जब भी मुझे मिली थी ना, तो उस वक्त वो पानी के अंदर डूबी हुई थी। उसको ये सड़क के साथ एक टोया था, उसके अंदर उसने ना पानी में डाल के उसको दबा दिया था ऊपर से। पहचान में नहीं आ रही थी? पहचान में नहीं आ रही थी। तो कहते हैं बेटियां बाप को बहुत प्यारी होती हैं। इकलौती बेटी थी।
इंसाफ की तवक्को तो यकीनन आपको है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो मैं वज़ीरे आला से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इंसाफ चाहिए और इस मुजरम को ऐसी सजा मिलनी चाहिए को जो दुनिया के लिए मिसाल पैदा हो। तुम्हें अंदाजा है, अपनी जुबान से बताओ। मैंने लड़की का कत्ल किया। लड़की या बच्ची? बच्ची है। कितने साल की थी लगभग वो? 6-7 साल की थी। क्यों किया कत्ल? उसकी मामा पे कहने पे। उसकी माँ के कहने पे? जी। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। बात मैं ठीक बता रहा हूँ, उसकी मामा ने बोला है ना किसी ले जाओ। शट अप। माँ के कहने पे किया कत्ल तुमने? मामा ने बोला है किसी यहाँ से ले जाओ, तो मैंने कत्ल कर दिया उसका। ये बकवास तुम्हें किसने सिखाई है? बकवास किसी ने? ये सच बताओ, तुमने उसके साथ जो किया? उसके साथ मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसका कत्ल किया है। मैंने फ़ोन से बात शुरू किया, मैं उनके खावन के साथ काम पे जाता था, तो उसने नंबर अपने खावन से मोबाइल से लिया है, तो उसने बात की थी हमारे साथ, कॉल की थी मुझे कि जो हमारा खावन है ना ये किसी लड़की के साथ बात तो नहीं करता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता है करता है कि नहीं करता है। उसने कहा ठीक है। उसके बाद कॉल बंद होगी, फिर उसके बाद कॉल आने शुरू होगी, फिर उसने कहा आपको नहीं पता है कि मैं आपको क्यों कॉल कर रही हूँ। मैं कहा मुझे नहीं पता है मैं क्यों कर रही हूँ, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर दोस्ती होगी, फिर हम मिलने जुलने लग गए एक दूसरे के साथ। कितने अरसे पहले का वाक्य? ये तो जब जब ही तो 3 महीने हुए हैं ना इस बात का, तो 3 माह से चल रहा सब कुछ। जी। अच्छा फिर? तो उसके बाद हम एक दूसरे के साथ मिल जुल रहे थे, उसके घर में आता जाता था। तो उसके बाद जो है उसके खावन को पता चल गया था। उसके खावन ने उसको अपने घर पे भेज दिया था, मेके में भेज दिया था। हाँ जी। अच्छा। वो उधर से फिर ले आया उसको। उसके बाद फिर उसने कॉल की मुझे कि मुझे मिलो, मैं फिर उसको मिलने चला गया। फिर मिलते जुलते रहे कुछ दिन, फिर उसकी लड़की ने देख लिया। उसने क्या देखा? उसने देखा था जब हम अंदर कमरे में थे, हम मिल रहे थे एक दूसरे के साथ, तो उसने देख लिया था। किसने? जो ये बच्ची जो कत्ल हुई है? जी। अच्छा। उसने देख लिया था। फिर उसके बाद उसने कहा कि इसे जहाँ भी ले जाना है ना इसे ले जाओ। जहाँ भी मतलब? जहाँ भी, कहीं भी, इसे छोड़ आओ। कहीं भी मतलब? माँ थी वो? माँ थी ना। उसने कहाँ छोड़ने का कहा? किसी रिश्तेदार का कहा? कहीं और कहा? नहीं, रिश्तेदार का भी नहीं कहा। हाँ। बस उसने कहा कहीं छोड़ आओ इसे। अच्छा। मैंने कहा फिर भी उसे कहा कि मैं अपना घर बर्बाद होना नहीं देखना चाहती हूँ। अच्छा। इसलिए मैं कह रही हूँ। औलाद को बर्बाद कर रही थी वो? इसलिए मैं कह रही हूँ। तो मैंने कहा तो प्लान किया था कहाँ छोड़ने जाना था? नहीं, प्लान नहीं किया था। अच्छा। जिस दिन ये देखा उसने बच्ची ने तुम दोनों को, उससे कितनी देर बाद का वाकया है कि उसको छोड़ने जा रहे थे? वो शाम का वाकया है, 4 बजे का वाकया है। 4 बजे उस लड़की ने देखा है? नहीं, उसने देखा है 11-11:30 का वाकया। अच्छा। शाम को प्लान हुआ तुम लोगों का इसको कहीं छोड़ आते हैं? जी नहीं, प्लान उस वक्त ही हो गया था। अच्छा। उधर जब उसके घर अच्छा। पे था ना कहीं, मतलब कहीं कुछ तो जेन में आया होगा? नहीं, उन्होंने ये नहीं मुझे बताया। तुम्हारे जेन में आया होगा? मैंने तो उसे रिक्शे पे बिठाया, रिक्शे पे बिठा के मैं आफजाबाद ले गया हूँ। आफजाबाद क्या 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 बिठाया रिक्शे में? कुछ नहीं, उसे मैंने कहा कि इधर आओ। वो आ गया रिक्शे पे बिठा के, आफजाबाद चले गए। आफजाबाद से फिर वापस आए हैं ठट्टे गारे पे आके मैंने उसका गला दबा के मार दिया। उसकी माँ को पता था तुम उसे मारने जा रहे हो? उसकी माँ को ये नहीं पता था कि मारने जा रहे हो, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ हमारी बात हुई थी ना, उसके बाद उसने ये कहा था कि अभी आपको ना पता चल जाएगा शाम को। बस उसके बाद उसने नंबर बंद कर दिया। उसके बाद हमारी बात ही उसके साथ नहीं, उसने नंबर ऑन ही नहीं किया। फिर तुम्हारी बात नहीं हुई अपनी महबूबा से? नहीं, उससे बात नहीं। उसने ये बस कहा कि आपको पता चल जाएगा। प्लान हुआ था कि इस बच्ची को मार देना? जी। क्या प्लान हुआ था? अभी तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, अभी कह रहे हो प्लान हुआ था? नहीं, वो ये कहीं भी लेकर नहीं, सिर्फ रोड पे लेकर गया हूँ ना। नहीं नहीं, मारने का प्लान था? नहीं, मारने का प्लान नहीं था। नहीं था? ये तुमने खुद बनाया? मैंने खुद बनाया। क्यों? उस बच्ची ने कोई शोर शराबा किया? नहीं, कोई शोर शराबा नहीं किया। उस बच्ची के साथ कोई बदकारी की तुमने? नहीं जी, वो भी नहीं की। झूठ के पाँव नहीं होते, पकड़े जाओगे तुम? मैं कह रहा हूँ ना, पकड़ा तो हिरासत में तो हो ना, मजीद भी आगे तुम पकड़े जाओगे। लड़की के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, गला दबा के उसे मारा ऐसे। फिर पकड़े कैसे गए? तुम्हारी महबूबा ने राज फाश कर दिया? फिर पीछे से उसने किया होगा ना, फिर इन्होंने जो शायद भाई है उसने मुझे कॉल किया, उन्होंने बताया कि इधर आ जाओ, मैं फिर उधर चला गया था। उधर से चला गया, तो उधर से यहाँ पे लेकर आ गया। आज भी मोहब्बत करते हो उससे, उसकी माँ से? जी नहीं। जी करते हो? जी। वो करती है तुमसे मोहब्बत आज भी? अभी उसका नहीं पता है मुझे। तुम करते हो?
साफ जहर है फिर प्यार तुम शादीशुदा नहीं हो, शादीशुदा वो बच्चों की माँ है जी, और तुम उससे मोहब्बत अभी भी करते हो। उसकी एक बेटी को कत्ल करने के बाद, यहाँ पुलिस के पास गिरफ्तार होने के बाद, कड़ियां लगने के बाद भी तुम उससे मोहब्बत करते हो। अभी तो अभी का तुम्हें पता है, तुम मैं तुम्हारा पूछ रही हूँ, तुम करते हो? नहीं अभी मैं नहीं करता उसके साथ। अभी तो कह रहे थे करते हो। नहीं जो अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी का पूछ रही हूँ भाई, अभी का नहीं है। अब नहीं है, भूत उतर गया, भूत उतर गया, मोहब्बत खत्म हो गई, खत्म हो गई। अच्छा कत्ल क्यों किया था, क्या सोच के किया था कत्ल? वैसे भी छोड़ सकते थे उसे कहीं पे, कहीं खेतों में छोड़ देते, कहीं किसी और गाँव में छोड़ आते, गुम जाती। उस वक्त ज़हन में यही आया था कि इसका गला दबा के मार दो, वरना वरना अगर नहीं मारते तो? फिर भी यही सोचा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेके आगे आ गया हूँ, बात भी हो गई है, फिर भी पकड़ा ही गया हूँ, मार के भी पकड़ा गया हूँ, ना भी मारता तो फिर भी। मर्जी से लेके आए थे ना उसको जी, तो फिर तो पकड़ा जाने का खौफ ही नहीं था। बाद में फोन हो गया था ना। क्या फोन हो गया था? कि आपके इधर आपके पास बच्ची है। मैंने कहा हमारे पास बच्ची नहीं है। किसने किया था फोन? उसके पहले उसके खामा ने किया था। अच्छा, और तुम्हें इस बात पे यकीन था कि इसने बता दिया घर में? जी। ये बात वैसे मेरे को समझ भी नहीं आ रही सारी कहानी, या तो तुम कुछ छुपा रहे हो? नहीं मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, जो बात है वो मैंने बता दी। कत्ल कैसे किया था? उसका नाक और मुंह बांध किया था। किस चीज से? आंख से। अच्छा, वो तड़पी थी जी, कांपी थी जी। और तुम्हें रहम नहीं आया, तुमने अपना सब कुछ सुना लिया जी। अब तुम्हें सच कुछ मैं भी बताऊं जी, कि तुम बच्ची को लेके यहाँ से हाफजाबाद चले गए, वहाँ तुम उसको दिन भर घुमाते रहे, फिराते रहे, वक्त जाया करते रहे, यहाँ तक कि अंधेरा होने का इंतजार करते रहे। जैसे ही शाम हुई, गांव से 10 किलोमीटर के फासले पे लाकर, लगभग 10 से 15 किलोमीटर के दरमियान जो फासला है, वहां लाकर तुमने बच्ची को बेदर्दी से मार दिया। उस बच्ची के साथ क्या हुआ ये तो आगे चल के हकायक और भी दिखाएंगे। मारने के बाद तुम वहां से पंचायत में चले गए, क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने तुम्हें बच्ची लेके जाते हुए देख लिया था। तुम मुतमईन होके वहां गए, वहां से शक की बुनियाद पर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया। यहां आकर तुमने आधा इकबाले जुर्म किया और उस गमजदा माँ को भी अपने साथ लपेट लिया। वो तो साथ ही हमारे, वो साथ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। कोई माँ अपनी मासूम बच्ची इस तरह नहीं कत्ल करवा सकती, ये बात मैं नहीं मानती। तुम उसकी माँ को इसलिए लपेट रहे हो ताकि तुम इससे बच जाओ और तमाम शक के दायरे और जो कुछ है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उसमें वो शामिल हो जाए और वो रुस्वा हो जाए, ताकि वो अपना केस वापस ले ले। तुम क्या समझते हो कि तुम इस तरह की कोई ऊंची बात करोगे और मैं मान जाऊंगी? ये तो बात सच है ना जो मैं बता रहा हूं। क्या सच है क्या झूठ है ये तुम बताओगे? इसके लिए कानून है, अदालतें हैं। कानून जो भी सजा दे मैं हाजिर हूं।